तो आज के समय में यंगेस्टर खास करके यंगेस्टर जो है हेयरलाइन रिसीडिंग से बहुत ही ज़्यादा परेशान है गंजापन कहीं ना कहीं लगभग सभी व्यक्तियों को परेशान करता है पर उसमें से जो यंगेस्टर है खास करके उनको जो है हेयरलाइन की प्रॉब्लम आ रही है हमारे जो कॉर्नर है वो थोड़े पीछे चले जाते हैं हेयरलाइन थोड़ी पीछे चले जाती है और जिनको भी इस तरह का बालनेस आया वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं पर आज के इस वीडियो में मैं आपको एक हेयर ट्रांसप्लांट दिखाने वाला हूँ जो कि हेयरलाइन के लिए ही किया गया था और आप इस हेयर ट्रांसप्लांट में देखेंगे कि जब इनका हेयर ट्रांसप्लांट हेयरलाइन के लिए किया गया तो कितने ज़्यादा नेचुरल रिजल्ट जो है इनको मिले और हेयरलाइन वापस से किस तरह से करेक्ट हुई है और एक नेचुरल लुक के साथ में जो है इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया गया वो टोटली आप इस वीडियो में देखने वाले हैं हम यहाँ पे इनका गंजापन देख लेते हैं कि किस तरह से आया था इनको हेयर लाइन में कुछ इस तरह से जो है गंजापन आया था इनको हेयर लाइन में दोनों कॉर्नर साथ में हेयर लाइन पीछे चले गई थी जो कि हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं और इसी तरह का गंजापन अधिकतर लोगों को होता है काफी सारे ट्रीटमेंट वो ले चुके होते हैं बट एक चीज आप अच्छे से ध्यान रख लो कि हेयर लाइन में अगर हमको गंजापन आता है तो किसी भी तरह का ट्रीटमेंट वहाँ पे वर्क नहीं करता है वहाँ पे ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ता है और वही सक्सेस होता है और हंड्रेड सक्सेस होता है इनको जो सामने से गंजापन आया था हेयर लाइन के लिए उसके लिए कुछ इस तरह से इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया गया सामने से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हेयर ट्रांसप्लांट किया गया और बहुत ही डेंसिटी के साथ में किया गया ताकि जब हेयर लाइन का रिजल्ट आए जब इनके सामने की ओर पूरे बाल आ जाए जो गंजापन इनको आ चुका था वहाँ पे तो वो एक नेचुरल लुक दे और अच्छी डेंसिटी भी मिले क्योंकि जब हेयर लाइन के लिए हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी घनापन वहाँ पर दिया जा सकता है जितना पॉसिबल होता है डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं है आपको अच्छी डेंसिटी देने की और दोस्तों ये जो क्लिनिक में इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ यहाँ पे हे है यहां ट्रांसप्लांट है डर्मेटोलॉजी जो है ट्रांसप्लांट करते जो कि काफी अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन माने जाते कुछ जो है इनको थोड़ी बहुत क्राउन में भी थिनिंग थी और वहां पे भी थोड़ा बहुत गंजापन भी आया था तो वहां पे भी इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया गया इस तरह की प्रॉब्लम जो अधिकतर लोगों को परेशान करती है और वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं इस चीज को लेके और एंड में कहते हैं कि गंजापन का कोई इलाज नहीं है, जो हेयरलाइन चले गई चले गई अब इसी के साथ में हमें रहना पड़ेगा पर ऐसा नहीं है दोस्तों क्योंकि रुको अभी मैं आपको इनका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बताने वाला हूं तो चलो सबसे पहले रिजल्ट ही बता देता हूँ तो रिजल्ट था कुछ इस तरह से ये साइड में फोटो आप देखिए इनका रिजल्ट कितना na zyada shandar aaya हेयर ट्रांसप्लांट का देखा आपने हेयर लाइन टोटली रिकवर कर गई और एक अच्छा लुक इनका यहाँ पे आ गया हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में और जो ये इनका रिजल्ट है सिर्फ और सिर्फ पांच महीने का रिजल्ट है आप देख सकते हैं पांच महीने में कंडीशन कितनी ज्यादा चेंज हो जाती टोटली बाढ़ने से गायब हो गया और एक नया लुक जो है वो सिर्फ पांच महीने में इतना ज्यादा शानदार रिजल्ट मिल सकता है हेयर ट्रांसप्लांट का तो यहाँ पे जो भी इस तरह के बाढ़नेस से परेशान है गंजेपन से परेशान है उन्होंने बहुत सारी ट्रीटमेंट करी सब चीज करी तो एक बार हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जरूर सोचे और किसी तरह की कि कोई हेल्प चाहिए तो आप क्लिनिक से ले सकते हैं मुझसे ले सकते हैं हैं कर सकते नंबर दे दिया है वीडियो में इसलिए तो आप अगर किसी चीज से परेशान है तो पहले सबसे पहले सबसे उनसे पूछो जिन्होंने यह चीज करा रखी क्योंकि मैंने भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया या फिर जो इस चीज के बारे में जानते ऐसा नहीं है गंजापन का हंड्रेड समाधान है हंड्रेड सॉल्यूशन है आज के समय में जो कि हम इनके रिजल्ट में देख रहे हैं इस वीडियो में भी देख रहे हैं इनकी हेयर की कंडीशन कितनी अच्छी हो गई जो हमने बिफोर की इनकी कंडीशन देखी उसके बाद में अभी कंडीशन देखी तो आप देख सकते हैं कि गंजापन जो है वो आज के समय में कोई बड़ी समस्या नहीं बची अब उसका 100 परसेंट समाधान है 100 परसेंट सोल्यूशन है क्योंकि यंगेस्टर काफी जो यंगेस्टर जो 20 बाईस पच्चीस की एज में रहते हैं या फिर सत्ताईस अट्ठाईस मान लो अगर इस तरह का आप से जाता है तो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि इसकी वजह से उनको आने जाने में प्रॉब्लम होती है है ना फ्रेंड सर्कल में जाने से प्रॉब्लम जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको काफी ज्यादा परेशानी होती है या फिर नई नई जिनकी शादी होने वाली रहती है नई नई शादी होती है

और भी किसी तरह की हेल्प लगे तो आप ले सकते हैं तो ठीक है दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ एक और नए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर